नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नमक का दरोगा पाठ पे आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों पे। आपको पता है कि कोरोना के चलते परीक्षा का प्रारूप बदला है। अब टर्म फर्स्ट में आपसे केवल और केवल बहुविकल्पीय प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न हम देखते हैं इस वीडियो में। पहला प्रश्न है, नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक जीवनी है, निबंध है, कहानी है या फिर नाटक है। तो आपको पता है कि ये प्रेमचंद द्वारा रचित एक कहानी है। कहानी में प्रयुक्त नमक किसका प्रतीक है? तो नमक हमेशा वफादारी का प्रतीक होता है। आपने सुना ही होगा कि मैंने आपका नमक खाया है, इसलिए मैं गद्दारी नहीं करूँगा। तो नमक वफादारी का प्रतीक है। नमक का दारोगा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो मुंशी वंशीधर नमक के दारोगा कहानी के मुख्य पात्र हैं, जिन्होंने की कहानी में नमक के दरोगा का किरदार निभाया है। वंशीधर के पिता ने मासिक वेतन को क्या कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चांद, अमावस का चांद, पूर्णमासी का चांद या बहता स्रोत? तो इन्होंने पूर्णमासी का चांद कहा है मासिक वेतन को, जो कि एक दिन तो बहुत तेज चमकता है, उसके बाद धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 5 पर बढ़ते हैं। इस कहानी में लक्ष्मी के उपासक कौन थे? न्यायाधीश, वंशीधर, अलोपीदीन, उपर्युक्त सभी। तो इसमें अलोपीदीन लक्ष्मी के उपासक माने गए हैं। इस प्रश्न में अलोपीदीन उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न, इस पाठ में मुझे मुंशी जी ने पीर का मजार है इस पाठ में बूढ़े मुंशी जी ने पीर का मजार किसे कहा है? तो उन्होंने ओहदे को पीर का मजार कहा है। ओहदा यानी कि पद, जो भी पद है वो केवल पीर की मजार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सभी लोगों को कहाँ पर नौकरी करने का आकर्षण था? तो अलोपीदीन के यहाँ मैनेजर का, कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर, नमक विभाग में दरोगा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नमक विभाग में दरोगा के पद पे उस समय सब लोग काम करना चाहते थे। आपको पता ही है कि अंग्रेजों ने एक कानून बनाया जिसके बाद नमक पे नियंत्रण लगा दिया गया। फिर नमक पे भी टैक्स लगने लगे, नमक बाजारों में बिकने लगा। लोग खुद से नमक तैयार नहीं कर सकते थे। नमक की बिक्री बढ़ी, बिक्री बढ़ने के साथ साथ कालाबाजारी भी बढ़ी। कालाबाजारी बढ़ी तो दरोगाओं की नियुक्ति होने लगी। दरोगाओं की नियुक्ति हुई, पैसा उपजने लगा कालाबाजारी के चलते। तो फिर ये एक आकर्षक नौकरी भी बन गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, घाट के देवता को भेंट चढ़ाने से क्या तात्पर्य है? भगवान को भोग चढ़ाना, नदी किनारे श्राद्ध करना, ब्राह्मण को दान देना या फिर नमक के दारोगा को रिश्वत देना? तो इसका सीधा सा अर्थ दोस्तों, नमक के दारोगा को रिश्वत देना है। अलोपीदीन अंत में कितनी रिश्वत देने के लिए तैयार हो गए? तो ये 40,000 रुपये रिश्वत देने के लिए तैयार हो गए। चलिए अगला प्रश्न है, पंडित अलोपीदीन की गिरफ्तारी का क्या परिणाम हुआ? तो इनकी गिरफ्तारी का परिणाम ये हुआ कि वंशीधर की नौकरी चली गई। अगला प्रश्न, लोगों को किस बात पर आश्चर्य हो रहा था? अलोपीदीन की गिरफ्तारी पर, वंशीधर की ईमानदारी पर, न्यायाधीश के न्याय पर, उपर्युक्त सभी पर? तो अलोपीदीन की गिरफ्तारी पर लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि इतने पहुंचे हुए व्यक्ति धन और बुद्धि, क्या इतना अच्छा अद्भुत सामंजस्य, वाक्पटुता के धनी अलोपीदीन कैसे गिरफ्तार हो सकते हैं? आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अलोपीदीन ने पैसों के बल पर अदालत की नींव हिला दी, वकीलों को खरीद लिया, न्यायाधीश को खरीद लिया, उपर्युक्त सभी। तो इन्होंने क्या किया? अदालत की नींव भी हिला दी, वकीलों को भी खरीद लिया और न्यायाधीश को भी खरीद लिया। तो इस प्रश्न में उपर्युक्त सभी आंसर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, नमक का दारोगा कहानी से सीख मिलती है कि धर्म परायण रहना चाहिए, लक्ष्मी का पुजारी होना चाहिए, रिश्वत लेनी चाहिए, आमदनी होनी चाहिए। तो धर्म परायण रहना चाहिए इसका सटीक उत्तर होगा। मुंशी वंशीधर की अलोपीदीन पर विजय किसकी प्रतीक है? तो ये अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की, बेईमानी पर ईमानदारी की, सभी विकल्प सही हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सभी विकल्प सही होंगे, क्योंकि अधर्म पे धर्म की भी विजय हुई है, असत्य पर सत्य की भी विजय और बेईमानी पर ईमानदारी की भी विजय हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कहानी का अंत होता है किससे? सच की जीत से,
सेठ अलोपी दीन की सच्चाई से, वंशीधर के पछतावे से, बदलू सिंह के बयान से, तो सच की जीत से कहानी का अंत होता है। प्रेमचंद की इस रचना में क्या मिलता है? आदर्शवाद, यथार्थवाद, कल्पनान्मुख कल्पनावाद और आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। तो जाहिर सी बात है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद इसका सही उत्तर होगा। प्रेमचंद युगीन कहानी के पहले जो कहानियाँ, प्रेमचंद पूर्व जो कहानियाँ हैं उनमें दो तरह की कहानियाँ लिखी जाती थी, आदर्शवादी कहानियाँ और यथार्थवादी कहानियाँ। प्रेमचंद ने दोनों के सम्मिश्रण से एक नई श्रेणी निकाली, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, जहाँ पे आदर्श भी होगा लेकिन वो यथार्थ से जुड़ा हुआ होगा। चलिए, अलोपी दिन का पात्र है गतिशील, स्थिर, नायक, सभी विकल्प गलत है। तो अलोपी दिन गतिशील व्यक्ति हैं, यहाँ पे सभी विकल्प गलत नहीं होंगे, गतिशील व्यक्ति हम इनके लिए आंसर लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुंशी वंशीधर की सर्व प्रमुख विशेषता क्या है? सच पर अटल रहना, पिता की तरह नहीं बनना, स्वयं निर्णय लेना, आत्मविश्वास। तो जाहिर सी बात है इसका सटीक आंसर होगा सच पर अटल रहना। मैं कगारे का वृक्ष हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूँ, ये किसका कथन है? तो ये है बूढ़े मुंशी का, वृद्ध मुंशी का कथन है ये। अगला प्रश्न, वंशीधर के पिता के विचार से ऊपरी आय क्या है? तो ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जो केवल ईश्वर देते हैं, आमदनी तो लोग देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वंशीधर को किस कार्यालय में नौकरी मिली? पुलिस विभाग में, न्यायालय में, नमक विभाग में, कहीं पर भी नहीं। तो वंशीधर को नमक विभाग में नौकरी मिली और ये जल्द से जल्द अपनी ईमानदारी और कर्तव्य परायणता के कारण अपने अधिकारियों के आग के तारे बन गए। वंशीधर के पिता ने उन्हें कैसा कार्य ढूंढने की सलाह दी? अगला प्रश्न है ये, प्रश्न संख्या 22, जिसमें केवल वेतन प्राप्त हो, जिसमें ऊपरी आय मिलने की संभावना हो, जिसमें ईमानदारी से कार्य किया जाए, जिसमें कोई कार्य ना करना पड़े। तो इसका सही उत्तर होगा जिसमें ऊपरी आय मिलने की संभावना हो, ये इस प्रश्न का सटीक उत्तर होगा। मुकदमा चलाने पर अदालत ने किसे दोषी ठहराया? तो अदालत ने मुकदमा चलाया और वंशीधर को दोषी ठहराया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित अलोपी दीन कौन थे? तो पंडित अलोपी दीन दरोगा थे, न्यायाधीश थे, जमींदार थे या फिर किसान थे? तो पंडित अलोपी दीन एक जमींदार थे जो नमक की कालाबाजारी करते थे। अगला प्रश्न देखिए, वंशीधर की ईमानदारी से प्रभावित होकर अलोपी दीन ने उन्हें किस पद पर नियुक्त किया? तो उन्होंने अलोपी दीन ने वंशीधर को मैनेजर के पद पर नियुक्त किया। नमक का दरोगा कहानी के लिए अन्य उचित शीर्षक क्या होगा? तो धन पर धर्म की जीत, धन पर धर्म की जीत, ये सटीक इसका शीर्षक होगा। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो कि नमक का दरोगा पाठ से जुड़े हुए बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय जगत।